नमस्कार फ्रेंड, यहाँ पे एक ऑफ़र अमेजन की तरफ से आज की डेट में यहाँ पे निकल के आया है। लूट ऑफ़र है, 100 रुपये का यहाँ पे आपको बेनिफिट होने वाला है। आपके अमेजन अकाउंट पे जितने भी यहाँ पे अमेजन अकाउंट हैं, हर एक अकाउंट पे आपको जो है 100 रुपये यहाँ पे मिलने वाला है। आपको करना क्या, सिंपल आपको ऐड मनी करनी है। ऐड मनी अभी एक ऑफ़र आया है आज की डेट में, अगर आप कोई भी कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी डेबिट कार्ड से आप करने जाते हो ऐड मनी, तो ऐड मनी करने के लिए आपको वहाँ पे डेबिट कार्ड का यूज़ करना है। डेबिट कार्ड को जैसे यूज़ करोगे, डेबिट कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी, सीवीवी डालना है। जैसे सीवीवी डालोगे, डालने के बाद आप देखोगे नीचे के बाद में वहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा 100 रुपीज़ ऑफ। तो जैसे 100 रुपीज़ ऑफ आपको ऑफ दिखता है, तभी आप वहाँ पे जो है उसको ऐड मनी करें। अगर आपके पास ऐड मनी वहाँ पे 100 रुपीज़ नहीं दिखा रहा है, तो आपको नहीं करना है। फ्रेंड, अगर आपको 100 रुपीज़ ऑफ दिखाई दे रहा है कार्ड नंबर डालने के बाद, तो यहाँ पे कुछ कार्ड जो है वहाँ पे जो है वो आपको कैशबैक नहीं मिल रहा है। अभी क्या था कि पेटीएम का जो कार्ड था वहाँ पे हमको जो था कैशबैक मिल रहा था, अभी हमको पेटीएम का जो है वो बंद हो चुका है, जो वहाँ पे नहीं मिल रहा है कार्ड। अगर आपके पास कोई भी रुपये कार्ड है, रुपये कार्ड को आप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं लगता अगर आपको दिखा देता है ऑफ, तभी आप उसको ऐड मनी करें। ऐड मनी करने के बाद आपको 400 रुपये आपके अकाउंट से कट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक अकाउंट पे आप 2-3 बार कर देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक अकाउंट पे 2 बार यहाँ पे किया है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बैंक से जो है वो डेबिट हुआ है 400 और यहाँ पे कैशबैक जो उनको रिसीव हुआ है वो 500। एक यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है काम। आप जाएँ अपने अकाउंट में और ऐड मनी करने के बाद ऐड मनी का ऑप्शन आया, वहाँ पे 500 फ्लिप करना है। 500 फ्लिप करने के बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे डेबिट कार्ड जो है वो चूज़ कर लेना है। डेबिट कार्ड को चूज़ करने के बाद वहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है अपना। कार्ड नंबर डालने के बाद सीवीवी डालोगे। जैसे सीवीवी डालोगे, अगर आपके अकाउंट पे या आपके डेबिट कार्ड पे ऑफ होगा, तो वहाँ पे आपको नीचे बार में दिख जाएगा ऑफ, तभी आप उसको ऐड मनी करना। आपको 100 रुपीज़ ऑफ नहीं दिखा रहा, तो आपको जो है वो कैश ऐड मनी नहीं करना। नहीं तो बताओ, बोलोगे भाई आपने गलत बता दिया, ये वो है। हम पहले बता रहे भाई आपको, फ्रेंड पहले ही बता दे रहे हैं हम आपको, अगर आपको ऑफ दिखाई दे रहा है 100 रुपीज़, तभी आपको ऐड मनी करना है, वरना आपको ऐड मनी नहीं करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 400, और यहाँ पे 400 डेबिट हुआ मेरा जो है वो डेबिट हुआ है, यहाँ से क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो आप जो देख सकते हैं, और हमारे में ऐड मनी बैलेंस आप देख सकते हैं 500 यहाँ पे, 500 वहाँ पे, जो भी वो आपको मिला है। तो अभी आप आपको दिखा देते हैं आपको करना क्या है। नहीं, आपको अपना अमेजन अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है, और पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पे के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन दिखा है, तो ऐड मनी ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, यहाँ पे इसकी KYC कम्प्लीट नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको सिंपली कुछ भी कर देना है वहाँ पे और KYC कर लेना। तो चलिए हम KYC कर लेते हैं। फ्रेंड KYC में सक्सेसफुल कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड डेबिट क्रेडिट एंड ATM कार्ड। तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक, जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको डालना है नंबर। चलिए हम फटाफट से, कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास, यहाँ पे जैसे नंबर डालोगे सीवीवी डालोगे, यहाँ आपको नीचे बार में दिख जाएगा 100 रुपीज़ ऑफ। इसके नीचे यहाँ पे आपको छोटा छोटा लिखा हुआ मिल जाएगा 100 रुपीज़ ऑफ। आपको 100 रुपीज़ ऑफ दिखाई दे रहा है, तभी आपको ऐड मनी करना है, ऐड टू कार्ड पे क्लिक करना है, वरना आपको ऐड टू कार्ड पे क्लिक नहीं करना, आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो यही था आज का लूट। तो आप फटाफट से आइए और आप चेक करिए, अगर आपको मिल रहा है तो एक अकाउंट पे आप जो है 3 से 4 बार ऐड मनी करिएगा, आपको हर बार में 100 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट होने वाला है। आप 4 बार करते हैं, आपका 400 का प्रॉफिट जो वो यहाँ पे होने वाला है। यही था वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।